राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साल 2000 में पहली बार उत्तर कोरिया की यात्रा की थी और अब इतने लंबे समय के बाद उनकी ये यात्रा दोनों देशों के लिए एक ऐसे मौके की तरह थी जिससे अपनी दोस्ती को दुनिया के सामने बढ़ा चढ़ा कर दिखाएं। सिर्फ दिखावे भर की बात नहीं रही, उत्तर कोरिया के प्रमुख किम जोंग उन ने घोषणा कर दी कि वे यूक्रेन युद्ध में रूस का पूरी तरह से समर्थन करते हैं। हालांकि सच ये है कि दोनों नेताओं को लगता है कि उन्हें एक दूसरे की जरूरत है। पुतिन को युद्ध जारी रखने के लिए गोला बारूद चाहिए, वहीं उत्तर कोरिया को पैसों की जरूरत है, लेकिन इस क्षेत्र में असली ताकत उत्तर कोरिया के पास नहीं है। पुतिन और किम जोंग चीन की मदद से ही दोस्ती कर रहे हैं, इसलिए वे उसे नाराज नहीं करना चाहते, क्योंकि चीन दोनों देशों पर लगे पश्चिमी प्रतिबंधों के बीच व्यापार और प्रभाव बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। भले पुतिन किम के साथ अपनी गहरी दोस्ती की तारीफ कर रहे हों, लेकिन उन्हें पता होना चाहिए कि इसकी एक सीमा है और वो कोई और नहीं बल्कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। ऐसे कुछ संकेत हैं कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपने दो सहयोगियों के करीब आने से बहुत खुश नहीं हैं। मई में चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने पुतिन से मुलाकात की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मुलाकात के बाद पुतिन से ये अनुरोध किया गया था कि वो अब सीधे उत्तर कोरिया ना जाएं। चीनी राष्ट्रपति पर पहले से ही अमेरिका और यूरोप दबाव डाल रहे हैं कि वह रूस को अपना समर्थन देना बंद करें और उसे वो सामान ना दें जो यूक्रेन युद्ध को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। शी जिनपिंग इन चेतावनियों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जिस तरह से दुनिया को चीन के सामान की जरूरत है, उसी तरह चीन को भी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने रहने, विदेशी पर्यटकों, बाजार और निवेश की जरूरत है। चीन ने अभी तक यूक्रेन पर रूस के हमले की निंदा भी नहीं की है, लेकिन उसने रूस को इस युद्ध में कोई बड़ी सैन्य सहायता भी नहीं भेजी है। मई में राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात के दौरान चीनी राष्ट्रपति ने बहुत संभलकर बयान दिए थे, हालांकि दूसरी तरफ पुतिन उनके बारे में प्रशंसा करते हुए दिखाई दिए थे। किम जोंग के परमाणु हथियारों को बढ़ाने की कोशिशों का चीन अब तक समर्थन करते आया है। उसने बार बार संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के नेतृत्व वाले प्रतिबंधों में टांग अड़ाने का काम किया है। हालांकि शी जिनपिंग किम जोंग उनके इस रवैये के प्रशंसक नहीं हैं। चीन की नाराजगी रूस को इस बात के लिए मजबूर कर सकती है कि वो उत्तर कोरिया को और अधिक तकनीक बेचने के फैसले पर पुनर्विचार करे। ये अमेरिका के लिए भी एक बहुत बड़ी चिंता है। पुतिन को ये एहसास हो सकता है कि चीन को नाराज करना फायदे का सौदा नहीं है, क्योंकि वो रूस से तेल और गैस खरीदता है। इतना ही नहीं, पश्चिमी प्रतिबंधों के बीच चीन ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है। उत्तर कोरिया को चीन की जरूरत और भी ज्यादा है। ये एकमात्र ऐसा देश है जहां किम जोंग जाते हैं। उत्तर कोरिया का करीब आधा तेल रूस से आता है, लेकिन उसका कम से कम 80% व्यापार चीन के साथ होता है। रूस और उत्तर कोरिया के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि किम जोंग गोला बारूद की आपूर्ति जारी रख सकेंगे, क्योंकि किम को अपने लिए भी इसकी बड़ी जरूरत है। इसकी वजह है कि दक्षिण कोरिया उसके सामने बैठा है और उससे रक्षा के लिए भी उसे हथियारों की जरूरत है। विश्लेषकों का ये मानना है कि रूस और उत्तर कोरिया अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें से उत्तर कोरिया के सिस्टम की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है और वो पुरानी होती जा रही है। इससे भी ज्यादा जरूरी बात ये है कि रूस और उत्तर कोरिया ने दशकों तक अपने संबंधों को प्राथमिकता नहीं दी। जब पश्चिम के साथ उनके दोस्ताना संबंध थे, तब पुतिन ने उत्तर कोरिया पर दो बार प्रतिबंध लगाए थे। वहीं 2018 में जब किम जोंग ने कूटनीतिक शिखर सम्मेलनों के लिए बाहर कदम रखा, तो उनकी राष्ट्रपति पुतिन से सिर्फ एक बार ही मुलाकात हुई। उस वक्त किम के चेहरे पर मुस्कान, गर्मजोशी से गले मिलना और रूस के साथ दोस्ती का दिखावा करना दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के लिए था।